जय हिंद नेट मित्र चैनल एन टीवी लाइव वेब न्यूज पर मैं हूँ आपके साथ नवेद खान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं जहाँ मेरठ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बीते दिन सर्राफा व्यापारी सुनील वर्मा से हुई लूट में शामिल मुख्य आरोपी राहुल को मुठभेड़ में घायल गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर है, बड़ी लूट का खुलासा किया है मेरठ पुलिस ने। राहुल नाम का ये बदमाश अंबाला का रहने वाला है ऐसा बताया जा रहा है। राहुल के पैर में गोली लगी, वहीं इसका साथी भागने में कामयाब हो गया जिसके लिए पुलिस कॉम्बे कर रही है। एक गाड़ी बरामद हुई बदमाशों के पास से, साथ ही 5,85,000 रुपए बरामद हुए हैं। मेरठ के रेलवे स्टेशन के पास ये मुठभेड़ हुई है जहां बीते दिन 3.5 लाख रुपए की लूट की थी। ये लूट गन पॉइंट पर सर्राफ व्यापारी सुनील वर्मा से गन पॉइंट पर की गई थी। इस घटना को मेरठ पुलिस की एक बड़ी सफलता माना जा सकता है इस खुलासे को, क्योंकि लगातार इस घटना के खुलासे के लिए मेरठ पुलिस की टीम है, सर्विलेंस टीम कड़ी मेहनत से जुड़ी। घटना पर क्या कह रहे सीसीटीवी पीयूष सिंह आपको दिखाएंगे। बड़ी कामयाबी है मेरठ पुलिस की, किस तरह से इस बड़ी लूट का खुलासा किया। 3.5 लाख रुपए की लूट की गई थी गन पॉइंट पर सर्राफ व्यापारी सुनील वर्मा से, जिसका मेरठ पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल को मुठभेड़ में घायल गिरफ्तार किया है। पूरी घटना पर क्या कहना है एसपीसीटी मेरे पीयूष सिंह का, ये देखिए। कंटेंट है, ये थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शनिवार की शाम को अपना दुकान बंद करके घर वापस आते समय एक सर्राफे के साथ घटनाकारी की गई थी, जिसमें लगभग 13.5 लाख रुपए अज्ञात समाचों के द्वारा लूट किए गए थे। इस संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें पेपर स्तर पर उसकी टीम सर्विलांस की थाना पुलिस को लगाया गया था। इस टीम के द्वारा लगातार अभियान तय करके प्रयास करके आज इस घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त राहुल और उसके साथ ही राजा को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। इस मुठभेड़ में बदमाशों द्वारा पुलिस पर ज्ञान संभालने के लिए फायर किया गया। पुलिस द्वारा की गई अकस्मात फायरिंग में राहुल के पैर में गोली लगी और एक अन्य बदमाश फरार हो गया, जिसके लिए कॉम्बिंग कराई जा रही है। पूरे शहर में नाकाबंदी करके चेकिंग भी कराई जा रही है। इनकी गाड़ी जो बरामद हुई है आई 20 कार है, जिसकी तलाशी में इनके पास से 2 बंडलों में 5 लाख